गिरिडीह में हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ रैली के अंतिम दिन गिरिडीह भाजपा ने शनिवार को विशाल रैली निकालकर हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। सीहोडी स्थित आम बगान से रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। रैली आम बगान से निकलकर सदर प्रखंड मुख्यालय पहुंची। इस दौरान रैली में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री संदीप डंगजीच, पूर्व सांसद रविन्द्र राय, पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद समेत सैकड़ों की संख्या में नेताओं का जुटान हुआ। आमबगान में हेमंत सरकार के खिलाफ मांदर बजाकर आंदोलन को और तेज करने का आह्वान किया गया। रैली के दौरान भाजपाइयों ने हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भ्रष्टाचार नीतियां जो आज हम लोगों को देखने को मिल रही है, उसमें आम आवाम व्यवस्था के भी दृष्टिकोण से है और कैसे भी आचरण महागठबंधन की जो सरकार बनी है उसमें एक और कड़ी घुट चुकी है। जो भ्रष्ट अफसर हैं उन अफसरों की जमात भी इस महागठबंधन में सहयोगी के रूप में काम कर रही है और उसका नतीजा फलाफल ये है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रह सकती है। 5 साल का कार्यकाल जनता ने दिया है तो जनता के हित के लिए दिया था, लेकिन इस तरह के वातावरण को करने से जो राज्य को लूटते हुए भारतीय जनता पार्टी नहीं देख सकती, इसलिए सभी जगह पे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, जनाक्रोश रैली हो रही है। फिर से झारखंड अपराधियों और गुंडेगर्दियों के हाथ में जा रहा है। ब्लॉक से लेकर थाना से लेकर के प्रदेश तक भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। भाजपा एक सजग विपक्षी के नाते झारखंड की जनता को सावधान करने के लिए कार्यक्रम चला रही है और हम ये महसूस कर रहे हैं कि जनता के साथ धोखा देने वाली, जनता को गलत नियम बना करके फरेब करने वाली वर्तमान झारखंड सरकार को निकट भविष्य में जाना चाहिए और यहाँ की जनता को नया सरकार चुनने का मौका मिलना चाहिए और इसलिए यह आंदोलन अब लगातार चलेगा जब तक ये सरकार पूरी तरह से